अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा, बड़ा अफसोस हुआ हमें, हम ये बात भी कर रहे थे और सोचा इसी बात से शुरू किया जाए कि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सुबह सवेरे लाहौर का पहला नंबर एज यूजुअल, मतलब ये एक नॉर्म बन चुका है कि लाहौर जो होता है हम पूरे पाकिस्तान में भी कंपैरिजन कर रहे हैं। शहरों में नंबर वन बड़े सालों से चल रहा है, हम अरसे से बात कर रहे हैं। अब बहुत से इक़दामात भी हो रहे हैं, सख्तियां भी हो रही हैं, लाखों रुपए के लिटरली लाखों रुपए के जुर्माने भी हो रहे हैं, लेकिन ये लेवल ऑफ आलूदगी जो आया है ना इस दफ़ा अक्टूबर में ही, वो अनप्रेसिडेंटेड है। क्योंकि हम AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स में 750 पौने 800 की बात कर रहे हैं और 300 से 500 इज हैजर्डस। और अगर आपको ये नंबर्स और फिगर्स समझ नहीं आ रहे क्योंकि आपके पास ऑब्वियसली नहीं होगा कि क्या कंपैरिजन करें, तो इस बात से आप एक सोच लगा सकते हैं कि हम पूरी दुनिया को बीच में डाल रहे हैं। मतलब वी कैन कंपेयर लाहौर एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें टॉप पे लाहौर है। तो आप सोच लें कि कितना सेहत के लिए एक हेल्थ इमरजेंसी, एक हेल्थ क्राइसिस आप समझ लें कि लाहौर के रहने वाले 300 से 500 के दरमियान या 500 तक पहुंचता है तो वो एक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है और उस पे फिर पब्लिक अवेयरनेस होती है और हंगामी इक़दामात किए जाते हैं। लेकिन अब उस लेवल से भी बहुत आगे चली गई है बात। सो इस वक्त वही लेवल्स की आप जो बात करें नंबर्स की, चलें इफ यू आर इनटू नंबर्स तो 531 है फिगर और इसमें पहले नंबर पे यस्टरडे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी, डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ द सिटी, was 750, 740, 730, 683 and हम आउटस्कर्ट्स की भी बात कर रहे हैं जहाँ आप समझें गुंजानाबाद इलाकों में सूरत हाल होगी, नहीं अक्रॉस द सिटी जहाँ आप नहीं तसव्वुर कर सकते ये सूरत हाल होगी, वहाँ भी यही सूरत हाल थी। 20 लाख रुपए के जुर्माने हुए उन लोगों को जो खेत चलाते हुए पकड़े गए हैं, जिनकी गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही थी उनको लाखों रुपए जुर्माने हो रहे हैं, ये सब कुछ फैक्ट्रियाँ सील हो रही हैं, भट्टे गिराए जा रहे हैं। इवन उसके बावजूद ये सूरत हाल। The more concerning thing I would be is के बहुत सालों से हम ये बात कर रहे हैं और हर साल ये फिगर्स भी बढ़ते जाते हैं और हम फिर भी टॉप पे होते हैं। सो वी डू नो कि कुछ ना कुछ मेजर्स तो लिए जा रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, बट दे आर नॉट इनफ। ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट चाहिए भाई, और अब उसकी बायस आपको पता ही है कि स्कूल, ऑफिसेस वगैरह उन सारों के जो औकात हैं भी तब्दील कर दिए गए हैं। अच्छा, हमने क्रिकेट रिपोर्ट के हवाले से बहुत अहम फैसले कल सामने आए हैं जिसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान किया गया है, जिसमें दौरा है ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए टीमों का ऐलान किया गया है। और ख़बर ताज़ा ये है, उस पर हम तफसील से बात करेंगे, आपको पता है हम तो करेंगे ही। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 7 मेंबरान आज सुबह सुबह लाहौर एयरपोर्ट से ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं और इनमें बाबर आज़म हैं, शाहीन आफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, हारिस रऊफ हैं, फैसल अकरम, ये तमाम लोग शामिल हैं। और ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए ये 7 लोग आज सुबह ही लाहौर से रवाना। अच्छा, आई एम स्माइलिंग बिकॉज सडनली एवरीथिंग लुक्स गुड, नॉट एवरीथिंग बट वी हैव अ वेरी मेजर विन अगेंस्ट इंग्लैंड इन टेस्ट। बाय द वे, इसकी बात हो गई थी जब मैं इधर नहीं थी, या आज हम भी करेंगे, जाहिर है आज भी करेंगे। और इसकी बात हुई भी थी, हु वुड हैव थॉट नंबर वन ऑब्वियसली। अगर आप जब हम फ्राइडे को थे तो बस हम जीत के करीब थे, बस अभी लिटरली प्रोग्राम खत्म ही हुआ था तो फिर हम जीत गए। चलें तो फिर हम आज ही सेलिब्रेट कर लेंगे। सेलिब्रेट क्या मतलब, एक रिलीफ है। सही बात यह है कि कभी कभार इतनी खुशी होती है कि आपको एक सांस आ जाता है कि ओके फाइन, हम संभले थोड़े से और वी कैन बिल्ड अपॉन दिस। सो मेजर विन अगेंस्ट इंग्लैंड बिकॉज हम जब इंग्लैंड आया भी था पाकिस्तान फॉर टेस्ट तो इंग्लैंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रिगार्डिंग देयर टेस्ट टीम एंड देयर टेस्ट प्ले। और जिस तरह उन्होंने पिछले 1-2 सालों में अपने प्ले को चेंज किया उस पर भी हम बड़ी बात करते रहे, लेकिन इन दी एंड वी वन और बहुत खुशी हो रही है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। भाई कोई सीरीज इस दौरान आपको पता है एकदम से ड्यूरिंग द सीरीज ही तब्दीलियां कर दी गई थी, बहुत से मेजर खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया था, बहुत से को लाया गया था। मतलब पहला टेस्ट मैच हारने के बाद हमने नतीजा देख ही लिया। अब मेजर सर्जरी का ये पहला नतीजा आप कह लीजिए, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हम जीत गए हैं। PCB को बोल्ड फैसले करने में अब आई होप कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होनी चाहिए और लग भी ऐसा रहा है कि हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही है। ऐसे नहीं हो रही कि डिस्पाइट ऑल द क्रिटिसिज्म एंड इवन फ्रॉम आवर यू नो प्लेटफॉर्म, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आप कह लें, दे वेंट अहेड एंड डिड व्हाट दे वांटेड टू डू। और अब फैसले जिनकी बात हो रही है उनमें बाज़ अहम फैसले ये हैं कि फ़खर जमान समेत कई पुराने खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिए गए हैं, जबकि टेस्ट कप्तान शान मसूद की B कैटेगरी में शमूलियत भी पाकिस्तानी टीम की कप्तानी से मशरूत कर दी गई है। सो हालांकि ज़रा आयरॉनिक नहीं है कि अभी उन्हीं की लीडरशिप में या कैप्टनसी में अभी टेस्ट जीते हैं तो उनको बी कैटेगरी में मतलब वो खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनकी बी कैटेगरी तो ठीक ही है, लेकिन उनकी कप्तानी से वो कैटेगरी मशरूत है। ऑन द कॉन्ट्री एक राय यह है कि रिजवान के लिए तो ऐसी कोई शर्त नहीं है। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए टीम सिलेक्शन में भी रिवायती खिलाड़ियों पर इन्हिसार के बजाय नए खिलाड़ियों को आपको पता है मौका दिया गया। ये डेफिनेटली इट्स अ ब्रेव डिसीजन, ये तो है ही। और रिजवान जो है वो वनडे और T20 टीम के कप्तान बना दिए गए हैं और सलमान अली आगा जो हैं वो वाइस कैप्टन हैं, नायब कप्तान मुकर्रर हो गए हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने फ़खर जमान को कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने के सवाल का जवाब भी दिया। अब फिटनेस की भी बड़ी बातें हो रही थी और फिर एक ट्वीट का भी आपको पता ही है बड़ा एक चर्चा चल रहा है। नकवी साहब का क्या कहना था ये देख लें। पहली बात कि फ़खर का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कल मैंने सारा गो थ्रू किया सिलेक्शन कमेटी के साथ, इनका जो भी फैसले थे, डेफिनेटली उसका ट्वीट का इशू है, लेकिन वो मैटर उतना नहीं करता था जितना उनका फिटनेस टेस्ट नहीं है। उनके साथ दो इशू थे, एक फिटनेस टेस्ट का और उसके बाद डेफिनेटली उनका एक शो कॉज है जो पेंडिंग है, उसका भी डिसीजन होना है शो कॉज का, और उसके बाद उनको फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई करना है, तो उसकी वजह से उनका नहीं हुआ। जो कनेक्शन कैम्प में अगर वो मेरा ख्याल है फ़खर बहुत अच्छा बोला था और फ़खर के कुछ चीज़ों की वजह से हमने अपनी बहुत सारी चीज़ें फिक्स की हैं और कर रहे हैं इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में। अब इस पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। एक राय यह है कि भाई डिसिप्लिन पे नो कॉम्प्रोमाइज़, अगर आज प्रेसिडेंट सेट ना की तो कल फिर हर शख्स अपने जो जी में आएगा सोशल मीडिया पे क्रिकेट बोर्ड के फैसलों पे तनकीद करना शुरू कर देगा या सवाल उठाएगा। उससे डेकोरम भी डिस्टर्ब होता है। एक इदारा जिसमें आप सर्व कर रहे होते हैं, जाहिर है उसको कुछ डिसिप्लिन होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है। तो ये भी है। अब इसमें क्या ज़्यादा भारी था। एक राय यह है कि भाई ज़रा वार्निंग से काम चला लेते हैं। इस पे हम बात करते हैं। राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, कल बहुत मेजर फैसले हुए हैं, कैटेगरीज अनाउंस की गई हैं, बहुत से लोगों को शामिल किया गया है, बहुत से लोगों को निकाला गया है, कुछ नाम ऐसे नहीं शामिल किए गए जिनके बारे में लोग हैरान भी हैं। सबसे पहले तो अभी जो नकवी साहब की क्लिप देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़ी अहम एक बात ये है कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट को भी फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कम लोगों ने नोट किया होगा इसको, क्योंकि फ़खर जमान से रिलेटेड थी और उन्होंने जो बोला वो तो एक्सेप्ट किया कि फ़खर जमान ने जो बोला बहुत अच्छा बोला। फ़खर जमान ने बोला बहुत अच्छा बोला। ट्वीट जिसके लिए की वो टीम में और जिसने ट्वीट की वो बाहर, तो दो दौरा में यार नज़र आया है। यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए देखा जा रहा है, नदीम खान साहब को देखा जा रहा है, कमर्शियल में भेजेंगे वो उस्मान मौला साहब को भेजेंगे और डायरेक्टर NCA लगता है कि आकिब जावेद को पोस्ट दी जाएगी। ये तीन अहम तब्दीलियां करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मेरे ख्याल से बेहतर एक क्रिकेटर को इंटरनेशनल क्रिकेट देखनी चाहिए। नदीम खान का एक वसी तजर्बा है और अगर ये जो बातें आ रही हैं तो मेरे ख्याल से अच्छा इकदाम होगा PCB का, नकवी साहब का। बाकी फ़खर जमान का केस थोड़ा सा विक्टिमाइजेशन का केस लग रहा है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जवाब 21 अक्टूबर को दे दिया था। अगर ये चाहते, विलिंग होते तो शायद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, सब्जेक्ट टू फिटनेस, जिस तरह नुमान अली का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है सब्जेक्ट टू फिटनेस एंड शान मसूद के वो अगर कप्तान होंगे तो उनको हम कैटेगरी आगे कर सकते हैं। तो शायद थोड़ा जल्दी में कोई टीम कोई भी अनाउंस हो जाए हम मुतमईन नहीं होते, मीडिया में हम कोई भी मुतमईन नहीं होता, तो हम बात जरूर करते हैं ये प्लेयर बात तो होती ही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका भाई कि टीम कोई भी अनाउंस हो जाए तनकीद तो होती ही है। ये काम ही ऐसा जाहिर है, जितने लोग हम प्यार करते हैं क्रिकेट को उतनी आरा भी होती है ना, जब मुख्तलिफ आरा होती हैं तो फिर तनकीद भी होती है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द न्यू कैप्टन। अब रिजवान जो हैं वो एक क्लियर चॉइस भी थे और बहुत देर से उनका नाम उठ भी रहा था, तो व्हाट वुड यू से ODI के लिए और T20 के लिए रिजवान का नाम एज कैप्टन, मतलब वो हो गए अब तो। देखिए, रिजवान के लिए अटेम्प्ट किया था जब शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन हुए थे, जब कम्युनिकेशन हो रही थी ज़कर साहब की इंडिया जब टीम हार रही थी, तो उस वक्त नाम आया था शाहीन का। रिजवान की चंद शराइत थी जिसके ऊपर बोर्ड शायद नहीं माना था, जो भी चीज़ें थी वो शायद बाद में सरफेस पे आए, तो उस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन गए थे वो, लेकिन वो नहीं हो सका। फिर बोर्ड चेंज हो जाता है, बाबर आ जाते हैं, लेकिन इस वक्त एक अच्छे कप्तान, सीनियर प्लेयर जिसकी सारे रिस्पेक्ट करते हैं ड्रेसिंग रूम में भी, और वो लीड कर सके, मतलब के सबको सपोर्ट कर सके, तो उसमें रिजवान अच्छा है, उन्होंने काफ़ी कप्तानी की हुई है, हर जगह हर लेवल पे कप्तानी की हुई है, तो बड़ा अच्छा फैसला है इनका। थोड़ा डिले ज़रूर हुआ, इनको टीम अनाउंस होने से पहले अनाउंस कर देना चाहिए था कप्तान, लेकिन नहीं किया, चलें ठीक है। लेकिन एक चीज़ अगर देखेंगे आप तो 4 टीम्स अनाउंस किए हैं, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले अनाउंस कर देते हैं, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गई कि पूरा पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लिया है। अब जिम्बाब्वे की टीम 2 हफ्ते बाद कर लेते हैं, वहाँ पे 24 नवंबर को मैच है ना, वहाँ पे 24 के ऑन बोर्ड हमारे मैचेज हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम अनाउंस कर देते हैं, एक हफ्ता रुक जाते हैं हम लोग, तो एक साथ मेरे ख्याल से सिलेक्शन कमेटी को भी नहीं इल्म होगा कि हमने कौन सा प्लेयर किस टीम में डाला है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन पाया जाता है प्लेयर्स के बीच में भी और हमारे मीडिया के बीच में भी। अब यहाँ पे सेंटर कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड कप T20 में आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, काफी प्लेयर ड्रॉप हो गए। अब जिन्होंने सिलेक्ट किए थे ये प्लेयर वो कहाँ पे हैं? वहाब रियाज हो जाए, मोहम्मद यूसुफ हो जाए, असद शफीक हो जाए, तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क इसमें हैं। लेकिन फिर भी हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, टीम बिल्ड हो रही है, अच्छा इकदाम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और आगे आने वाले फैसले भी अच्छे होने चाहिए। थोड़ी सी बात करूँगा फखर की और इमाम-उल-हक की, दोनों का रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग है। साउथ शकील जाहिर है आपको पता, अभी उनके बारे में भी है कि ओडीआई में नहीं है। साउथ शकील और शान मसूद का जो रिकॉर्ड है लिस्ट ए में, जो वनडे क्रिकेट होती है डोमेस्टिक, बहुत बेहतर है, उसमें बहुत ही अच्छा है, तो उनको निगलेक्ट किया गया। मेरे ख्याल से रिवॉर्ड देना चाहिए पीसीबी को। नोमान ने जैसे परफॉर्म किया, शकील ने किया और साथ में साजिद ने किया, सलमान अली आगा को। नुमान का सब्जेक्ट टू फिटनेस, चलिए फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी लिटरली टेस्ट मैच को हम इतनी वैल्यू दे नहीं। 89 ओवर कराए थे नुमान और साजिद ने, फिर उसके बाद बैटिंग भी की है, फिर फील्डिंग भी करते रहे हैं, मतलब टेस्ट मैच इटसेल्फ में तो मैच में उन्होंने अपनी फिटनेस साबित कर दी। वैसे हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं T20 को, वनडे को, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी आप देखें जो टेस्ट खेल रहे हैं ना, उनको हमें वैल्यू देनी होगी, उनकी टेस्ट मैच की फीस बढ़ानी होगी, उनके आगे की तरफ लेके जाना पड़ेगा कि शौक पैदा हो। लोग छोड़ रहे हैं, अभी हमारे पास स्पिनर्स नहीं आ रहे, हमने पुराने डोमेस्टिक के प्लेयर्स को कोशिश की खिलाने की, नए स्पिनर्स हमारे बहुत टेस्ट मैच में नहीं कर सकते, तो इसमें इनकी कैटेगरी आगे बढ़ानी चाहिए जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है। अच्छा, अब आपने इमाम की आप बात कर रहे थे और वो जरा कंटिन्यू कीजिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ आप बता रहे थे उनकी एवरेज। इमामुल हक तकरीबन 49 की एवरेज है और शायद जहाँ तक याद पड़ता है कि फास्टेस्ट 1000 रन करने वाले दुनिया के प्लेयर हैं, और फखर जमान सेकंड जो है फास्टेस्ट 1000 रन करने वाले प्लेयर हैं, उनकी भी 48 की है। सईद अनवर आमिर सोहेल का के साथ हम पहले बहुत, उसके बाद जो कोई ओपनिंग पार्टनरशिप वाइट बॉल में आई है स्पेशली ओडीआई क्रिकेट में, वो फखर जमान और इमाम की है। इनकी 7 सेंचुरीज पार्टनरशिप है इनकी, इनके तकरीबन 2800 रन है पार्टनरशिप में, तो चले। लेकिन अगर जब निकाला जाए ना उसकी, फखर की तो बता दिया कि ये उनका इशू है, वो ठीक हो जाएंगे, वो आ जाएंगे। फखर की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान टीम को, पीसीबी ने अपना लॉस किया है, फखर का लॉस नहीं होगा, वो तो हर जगह उसको तो बरी और जम्मा हो गया ना, अब तो वो कहीं भी जाके लीग खेल सकता है। इमामुल हक का थोड़ा सा अगर इशू है पीसीबी को, वो फिर सबको बताना चाहिए कि ये इश्यूज हैं और इसकी वजह से हमने इनको सिलेक्ट नहीं किया, तो फिर क्लियरिटी आ जाती है। अभी हमें क्लियरिटी नहीं है, इसीलिए हम सपोर्ट में। अच्छा, हम कैटेगरीज के चेंज की बात कर रहे थे, ऑब्वियसली हम ये सोचते हैं जो पॉपुलर होगा फॉर वॉट एवर रीजन वो तो ए कैटेगरी होगी, लेकिन अभी हम इनकी शाहीन अफरीदी की भी कैटेगरी देख रहे हैं कि वो भी बी में हो गए हैं, जो तीनों खेलेगा वो ए में। हाँ, मतलब ये थोड़ा सा एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दें कि ये किस तरह वर्कआउट कर रहा है। देखें, इसमें अगर बाबर आजम की परफॉर्मेंस ख़राब थी, शाहीन की भी साथ में ख़राब थी, तो बाबर क्यों ए में फॉल कर रहे हैं, शाहीन क्यों नीचे आ गए परफॉर्मेंस? अब इनके पास कोई प्लेयर ही नहीं था ए का रिजवान के अलावा, मुझे जो लगता है, तो आपको बाबर को रखना ही पड़ा क्योंकि आपका मे बी शाहीन वांट्स टू स्टेप बैक फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट, ये भी एक राय हो सकती है, ये उनकी राय है, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं की उन्होंने। वो खेल सकते हैं अगर पीसीबी बुलाएगा, अभी उन्होंने अगर वो बोल दें कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, लेकिन फिर भी हमने पास में देखा है कुछ प्लेयर ने कहा कि हम एक ही फॉर्मेट खेलेंगे। हारिस रऊफ का रिन्यू हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, याद होगा आपको, पहले उनको खत्म कैंसिल कर दिया था, फिर उसके बाद दोबारा लिया गया। तो बहुत सारी मिसालें हैं। हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा मेरे ख्याल से जो सी और डी कैटेगरीज है, डी जो कैटेगरीज है ना, ये यंग प्लेयर जैसे अरफात मिनहास आए, दूसरे प्लेयर आए, कासिम अकरम आए, ये इनको अलॉट देने चाहिए, इनको भी हौसला देना चाहिए, ये पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा ही है अब, तो इनको अंडर कॉन्ट्रैक्ट में डी कैटेगरी और दो इससे ज्यादा सीनियोरिटी के जिसके 50 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैच या 100 से ज्यादा है और वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उनको आप लेके आ सकते हैं सी और बी में। ये कैटेगरी आप उनकी रखें जो कि बहुत ही उनका परफॉर्मेंस लास्ट 2-3 ईयर से पाकिस्तान के लिए दे रहे हैं। हमारे साथ ही रहिएगा राशिद भाई, हमारे साथी सोहेल इमरान साहब जो बड़ी अंदर की खबरें भी लाते हैं हमारे साथ मौजूद हैं। और अंदर की खबरों में तो सबसे पहले फ्यूड जिसको कहते हैं ना, उसका भी जिक्र हो रहा है और गैरी किर्स्टन वाला मामला आप गर्मा गर्म ये आप हमें बताएं कि वो कह रहे हैं कि जी मेरे पसंदीदा प्लेयर्स को डाला नहीं और वो कुछ थ्रेटन भी कर रहे हैं कि मैं तो ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट्स की जो क्लॉजेज हैं जो पीसीबी ने उन पे पाबंदियां मतलब उनको कहा था ये करने को, उसकी भी पासदारी नहीं करते रहे हैं, ना कर रहे हैं। जी सोहेल। जी अब्दुल्ला रोमा, गैरी किर्स्टन की मुझे आवाज़ थोड़ी सी कट गई थी, अगर लगता है कि बस गैरी किर्स्टन का ही सवाल है आपसे, क्योंकि तो आप समझ ही जाएं कि क्या बात है। अभी गर्मा गर्म ताज़ा तरीन खबर क्या है, बिकॉज कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पीसीबी कौन से हैं, कुछ उनको पीसीबी से हैं, ये कब मामला शुरू हुआ, अभी क्या स्टेज है? अब्दुल्ला ये कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, बल्कि ये सरासर जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है पीसीबी के साथ जो उन्होंने साइन किया हुआ वो उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं पिछले 3-4 महीनों से, जब से उन्होंने ये संभाला हुआ है। सबसे पहले तो उन्हें 11 महीने पाकिस्तान क्रिकेट रहना था, सिर्फ 1 महीने की छुट्टी उनको मिलनी थी, उसकी उन्होंने वायलेशन की। उनको बार बार बुलाया गया कि आपने यहाँ रहना है, यहाँ पे रह के आपने मैचेस देखने हैं, अगर आपका कोई काम नहीं है तो आपने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रहना है, वहाँ पे प्लेयर्स के साथ बात करनी है जो कि वाइट बॉल का हिस्सा रहे, उनके साथ काम करना है। वो उनकी बात पीसीबी की नहीं मानी उन्होंने। चैंपियंस कप में बार बार कहने के बावजूद वो सिर्फ 8-10 रोज़ के लिए आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, जिसका हर किसी ने महसूस किया। और इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शोबा इंटरनेशनल ने उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से याद दहानी भी कराई। इसके साथ साथ वो हर दफ़ा ये कहते रहे कि ये कॉन्ट्रैक्ट में ये कैटेगरी फलां प्लेयर को मिलनी है तो मैंने काम करना है, ये प्लेयर टीम में होगा तो मैंने काम करना है, ये स्पोर्ट्स स्टाफ में होगा तो मैंने काम करना है। और जो लेटेस्ट था वो था डेविड रीड का, जो कि मेंटल परफॉर्मेंस कोच है, उनके माहदे का भी मामला चल रहा था। न सिर्फ डेविड रीड का बल्कि वो मज़ीद 5 लोग, जी हाँ सिर्फ 5 लोग मज़ीद गैर मुल्की स्पोर्ट्स स्टाफ में शामिल करने के ख्वाहिशमंद थे, जिसके ऊपर क्रिकेट बोर्ड ने उन्होंने कहा कि ये बहुत अब इनफ हो चुका हुआ है कि आप पिछले 3-4 महीनों से वो वायलेशन भी कर रहे हैं, अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मैंने काम करना है। लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट थी वो जॉन रीड के हवाले से थी। जॉन रीड के हवाले से तो उनको डेविड रीड के हवाले से तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर आप इनके माहदे की वजाहत नहीं करेंगे या इनका माहदा आप नहीं करेंगे तो मैं ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से ट्रैवल नहीं करूँगा। हमारी अब तक की इतलात के मुताबिक जो गैरी किर्स्टन है उन्होंने ट्रैवल नहीं किया है साउथ अफ्रीका से। इस हवाले से अगले चंद घंटे जो हैं वो बड़े अहम हैं इस हवाले से कि जी हो सकता है मुमकिन तौर पर कि गैरी किर्स्टन अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये फैसला कर चुका है कि अब अगर उन्हें काम करना है तो वो अपने माहदे के मुताबिक काम करेंगे, जिसके ऊपर उन्हें सिग्नेचर किया है उसके मुताबिक वो चलेंगे। अब जो फैसला करना है वो गैरी किर्स्टन करना है। अगर वो काम करना चाहते हैं तो उन्हें ट्रैवल करना पड़ेगा, अगर वो ट्रैवल नहीं करते तो वो रिजाइन कर देंगे। नहीं तो ये तो एक और मसला जो है, तौर पे ये एक और क्राइसिस ही हम इसको कहेंगे कि ये ब्रू हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बिल्कुल तैयार है कि उनके ऑप्शन के तौर पर किसको लाना है। इसके हवाले से सकलैन मुश्ताक का नाम है, आकिब जावेद का नाम है, और उससे पहले जेसन ग्लिस्बी जो के रेड बॉल के कोच है ऑस्ट्रेलियन। ये तो एक सर्टनली अब इसे क्राइसिस कह लें या ना कह लें, या पीसीबी शायद अगर उनको हिंट थी तो वो तैयार हैं, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फिर उसकी पासदारी भी करनी पड़ती है। और हम अपने प्लेयर्स से कि जो इंटरनेशनल अरीना में सर्व कर चुके हैं लोग, इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्व कर चुके हैं, उन्हें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या अहमियत होती है। एक और मामला ये, साबिक चेयरमैन पीसीबी आपको पता है रमीज़ राजा साहब जो कि ब्रॉडकास्ट से एसोसिएटेड रहे हैं, सीरीज में भी शान मसूद को हम तो ताना ही कहेंगे जिस तरह वो दे रहे थे टीवी पे बैठ के, और जरा इट वाज टेकन इन बैड टेस्ट, इट वाज सेड इन बैड टेस्ट एज वेल, एवरीबडी कुड फील इट। इस बारे में पीसीबी को भी रिजर्वेशंस हैं एंड प्रॉब्ली उन्होंने ब्रॉडकास्टर्स से राब्ता भी किया है। क्या खबर है इसकी? जी अब्दुल्ला, बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ा इनोइंग सा था कि एक आप शो में जो पोस्ट टेस्ट मैच शो है और उसमें आपका दो टेस्ट मैचेस की हिस्टोरिक विन वाला और सीरीज जीतने वाला वो बैनर बैठा हुआ है और आप उसको इरिटेट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, तंज कर रहे हैं। इसको अवॉइड किया जा सकता था, बड़े बैड टेस्ट में गया था और इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर भी खासा हुआ। हम लोग सुनने वालों को भी जो था उसको भी बड़ा अजीब सा लगा कि बजाय इसके कि आप उनको मुबारकबाद दें, उनकी अच्छी चीज़ों को करें। किसको नहीं पता कि हम लोग 6 टेस्ट मैचेस नहीं हारे। ज़रूरी है कि आपने जीत वाले दिन ही ये बात करनी है। Right. आपने पहला टेस्ट मैच हारने के बाद भी रियलाइज़ करवाया कि आप 6 मैचेस हार चुके हो, आप इस तरह आउट हो रहे हो, आज तो कम अज़ कम ना करो। ये बैड टेस्ट में गया। अब क्योंकि वो मुलाजम नहीं है रमीज़ राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जिस तरह उन्होंने अपने मुलाजम को शोकास्ट नोटिस जारी करते हैं, इसी तरह अब जो ब्रॉडकास्ट कंपनी है जिसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वादा है, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ख़त लिखा और वैसे भी बात की और उन्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ात से कहा कि इस तरह के कमेंट से जो है वो अवॉइड किया जा सकता था और ये बड़े बुरे बैड टेस्ट में गया है। तो इसको बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शान हैंडल्ड इट सो ग्रेसफुली। शान ने बड़ा ही सोबर तरीके से, बड़ा ही नफासत के साथ जिसे कहते हैं सारे मामले को हैंडल किया। कोई वायलेशन ना भी की हो रमीज राजा साहब ने, लेकिन इट इज इन बैड टेस्ट डेफिनेटली और उनको करना नहीं चाहिए था। फाइनली राशिद लतीफ़ साहब ये जरूर बताइएगा कि हम चूंकि गैरी क्रिस्टन की बात कर ही रहे थे, कोच का एक कितना से होता है इन मेकिंग सो मेनी चेंजेस और ऑब्वियसली अब बात इस नहज तक पहुंच गई है कि और टीम रवाना हो गई है। दिस टाइमिंग इज वेरी क्रूशियल। देखिए सर भाई ने जो बात की हकीकत है, रात में लेट में जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि चेयरमैन साहब ने खुद मुदाखलत की है इस केस में गैरी कर्स्टन में और जो उनके शराइत थी उनकी कोई शराइत ऐसी नहीं थी, बस पाकिस्तान में रहने की वाली शराइत थी। शायद उन्होंने कहा है कि इसको रहने दें और टूर करने दें। बाकी जो चीज़ें आ रही हैं वो हकीकत पे मबनी है, जितनी भी जो चीज़ें आ रही हैं कि गैरी कर्स्टन को इंटरनेशनल क्रिकेट ने थोड़ी सी पूछ गूछ की कि आप कहाँ पे हैं और किस तरह से आप अपनी कोचिंग करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से चेयरमैन साहब इस मामले को भी सही तरीके से हल कर पाएंगे और सुनने में ये आया है कि वो जल्दी ट्रैवल करना चाहते थे ऑस्ट्रेलिया के, 3 दिन मुझे पहले मिल जाएं। जिस तरह से अभी आपने आज सुबह का कहा कि लड़के निकले कुछ प्लेयर्स, तो उनके साथ कुछ काम करना वो चाहते थे। तो शायद वो सोहेल भाई को सही पता होगा कि वो कितने कब तक निकलेंगे, लेकिन ये मामला आगे जाना नहीं चाहिए, हमारी क्रिकेट के लिए बदनामी का बायस हो सकता है। चलिए लेट्स सी ये ऊंट किस करवट बैठता है। हाँ, लेकिन नो मोर चेंजेस। अभी एक चीज बनी हुई है उसको इसी तरह रहना चाहिए। थैंक यू राशिद भाई, थैंक यू सोहेल भाई एंड दैट्स द लेटेस्ट फ्रॉम क्रिकेट। दैट्स एक्चुअली अ लॉट फ्रॉम क्रिकेट। हमारा मतलब अभी हम यू आर ऑन हाई राइट नाउ क्योंकि टीम इतनी देर से बैड परफॉर्मेंस में फंसी हुई है कि दिस वाज अ मच मच नीडेड विन एंड वेल डिजर्व्ड टू। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, बहुत ही गर्मा गर्म रिपोर्टें जो हैं वो भी आ रही हैं फ्रॉम द पॉलिटिकल एरिना। एहतजाजी जलसे जुलूस करके देख लिया, 26वीं तरमीम को रोकने के लिए हर कोशिश नाकाम रही। खुसूसी नशस्तों पर हक में फैसला आने के बावजूद अभी तक सीटें नहीं मिल सकीं और सबसे बढ़कर इमरान खान की रिहाई अब तक ना हो सकी। तहरीक इंसाफ की क़यादत की नीयत और सलाहियत दोनों पर पार्टी के अंदर से हमले हो रहे हैं और ये सुने तो आपको बात समझ आएगी। क्या समझते हैं, क्या खान साहब की रिहाई के हवाले से जो इकदाम होने चाहिए, जो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड होने चाहिए, क्या वो इकदाम हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। खान साहब को जेल से नहीं निकाल सकते। हम डेस्क मार रहे हैं और थपकियाँ मार रहे हैं और कमेटी खेल रहे हैं, असेंबली। इससे बेहतर है घरों में जाके बैठ जाए। तो फ्रस्ट्रेशन सबको हो रही है। किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का। इमरान का ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं भेजा है ना, उन्होंने देखा कि लोग सारी पाकिस्तान से उठ उठ के आ रहे हैं और जोश ज्यादा है। अच्छा जी, बहुत फटे पड़े हुए हैं। आप एक्स खोलें, वहाँ पे फवाद चौधरी और उनकी अहलिया और फलक जावेद और अजहर मशवानी और दीगर ऐसे जैसे लिटरली एक दूसरे पे पिल पड़े हैं। हाँ, बट इट्स फन टू मतलब एक मूवी है जो अनफोल्ड आपके सामने हो रही है, बट इट्स रियल, इट्स नॉट अ मूवी। तो वो एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट भी अगर आप देखा जाए, बट एवरीथिंग इज आउट इन द ओपन नाउ। अलग फड्डे चल रहे हैं और भी मुतादिद फड्डे, मुतादिद ग्रुप्स भी हैं। इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है। हमारे साथ आज कराची में मौजूद हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथी हैं हैदर शिराजी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर मूव पर नजर रखते हैं। ही हैपेंस टू बी इन कराची टुडे, तो हमने उन्हें यहाँ पकड़ के बिठा। और साथ ही हमारे साथ होंगे अबू बकर सिद्दीक जो कि नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैं पेशावर से, और वो भी हमें हर चीज़ ही समझाते रहते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग इन केपी। लेकिन सबसे पहले पार्टी मौक़िफ़ हम लेंगे, और पार्टी मौक़िफ़ के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया मरवत साहब, आपने वक्त दिया। मरवत साहब, आप उन लोगों में शामिल हैं जो तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन के साथ साथ अपनी पार्टी पर भी बड़ी खुलकर तनकीद करते रहे हैं। इतना मार्जिन आपने रखा हुआ है, हमने देखा है मुख्तलिफ औकात में। अब इस वक्त जो पार्टी क़यादत की पॉलिसी है या सूरत हाल है, इससे आपका बुनियादी इख्तलाफ क्या है? कोई है तो क्या है? क्यों समझते हैं आप कि गंडापुर साहब को फ्रंट पर नहीं रहना चाहिए? मेरी तो सिर्फ उन लोगों के साथ काम पैदा हो जाता है जो मेरे पीछे लग जाते हैं। मेरा किसी के साथ इख्तलाफ नहीं होता है। जो खामखा मेरे पीछे लग जाते हैं उनको जवाब देना फिर ज़रूरी होता है। बाकी गंडापुर साहब के साथ मेरा इख्तलाफ कोई नहीं है। मैं उनका मदा हूँ और मैंने उनके बहुत सारे अवामिल की तारीफ की है। जो एहतजाज की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है, मैं ये समझता हूँ कि एक सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव होने की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई सदर होने की हैसियत से उनका जो किरदार है एहतजाज में, उसका PMLN और इनकी दीगर हरीफ जो दीगर जुमाते हैं, पीपल पार्टी वगैरह, वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं और कहते हैं कि सूबा जो है मरकज़ पे चढ़ गया या जो है इकाइयों को लड़ाया जा रहा है, सरकारी वसाइल का जो है नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि क्या ज़रूरत है हमें गंडापुर साहब को आगे करने की। गंडापुर साहब मुकम्मल पूरी जहद और इंतहाई तुंदई के साथ जो है पीटीआई के एजिटेशन की सपोर्ट भी कर सकता है, और हमेशा ये 5 एहतजाज उनके तुफेल ही चले हैं। तो लिहाजा हमें बजाय इसके कि गंडापुर साहब को आगे रखें, उन लोगों को आगे रखें ना जो क़यादत हैं या जो एहतजाज कर सकते हैं। बाकी गंडापुर साहब की जो सपोर्ट है वो हम उससे मुस्तफीद हो सकते हैं आइंदा के एहतजाजों में भी। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि गंडापुर साहब को आगे रख के हम कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, क्योंकि आइंदा खुदा नखास्ता इसको जवाब बना के सूबे में गवर्नराज के लिए भी रास्ता हमवार हो सकता है। और रही सही जो हमारी हुकूमत रही है एक सूबे में, उसको भी हम अपने ही हाथों जो है कोई इनको जवाब दे सकते हैं कि वो इसके खात्मे का सब बनाएं। रही सही हुकूमत आप कह रहे हैं सूबे में जो है, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स देर। लेकिन अच्छा, ये आप भी इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने हालिया महीनों में बार बार ये देखा है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सरपरस्ती के बगैर पार्टी एहतजाज की तरफ जाए तो वो एहतजाज या तो होता ही नहीं है और हो तो कामयाब नहीं होता। मतलब ये तो काफ़ी हम पिछले कुछ महीनों में देख चुके हैं। तो पार्टी कारकुनों को आज खुद मुतहरक क्यों नहीं कर पाते, ये ज़रा बताएं इसकी आप क्या रीजनिंग देखते हैं? 9 मई 2023 से लेकर 11 अप्रैल 2024 तक एहतजाज पार्टी ने की है ना। उस समय कोई चीफ मिनिस्टर नहीं था, कोई सरकारी अहदेदार नहीं था, तो लिहाजा वो और बड़े कामयाब एहतजाज हमने किए हैं। 8 फरवरी को जो इलेक्शन में रिजल्ट पड़ा है वो आ गई, वो वही शऊर था जो इन जल्सों, कन्वेंशन, जुलूसों, रैलीज के जरिए आवाम तक हमने ये आगही पहुँचाई। और मेरा ख्याल है कि ये एहतजाज पहले भी पार्टी के फोरम से कामयाब रहे हैं और गंडापुर साहब भी पार्टी का हिस्सा ही है। एहतजाज कमेटी के सुपुर्द होना चाहिए। एहतजाज के लिए स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, प्लान A, प्लान B, प्लान C होने चाहिए। लॉजिस्टिक्स के लिए और तमाम अमूर के लिए जो है जो लोग एहतजाज कर सकते हैं उनको जिम्मेदारियाँ तफवीज़ हो। और सबसे बढ़कर एहतजाज को कामयाब करने के लिए ज़रूरी है कि कौम को हम अपने साथ निकालें, और निकालने के लिए ज़रूरी है कि हम उनकी मोटिवेशन करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, तकारीर, पैगाम बच्चों के ज़रिए, ख़वातीन के ज़रिए, सेलिब्रिटीज़ के ज़रिए, पार्टी लीडर के ज़रिए उनके जहनों में बिठा दें कि एहतजाज क्यों ज़रूरी है, क्यों निकलना ज़रूरी है, क्यों पाकिस्तान को इन लोगों से छुटकारा दिलाना ज़रूरी है। तो ये तभी मुमकिन है जब हम प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ें। जी बिल्कुल मरवत साहब, 9 मई से लेकर और फिर ऑनवर्ड जो आपने इशारा किया, वो 9 मई का भी एहतजाज आपने खुद ही कहा कि पार्टी नहीं किया है ना। अब आपको ये भी शिकवा रहता है कि इमरान खान की रिहाई के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सका, तो अदालतों में दर्जनों पिटिशन्स हैं, कैसे चल रहे हैं, असेंबली में आवाज़ उठाते हैं और भी बहुत कुछ होता है। अब और क्या करें सर? कम या ज्यादा ये कामयाबियाँ जो है न होने के बराबर है। हम भले का निशान खो गए, हमें पता था कि काजी फैजीसा जैसे आदमी ने हमारे इस केस के साथ क्या करना है। उस वक्त मैंने आवाज उठाई, मेरे खिलाफ किया गया कि ये काजी फैजीसा पे में एतमाद है और ये पीटीआई का मौकफ नहीं है। फिर हमने शेरानी साहब की पार्टी के साथ इल्हाक के मौके को जाहिर किया, बल्लेबाज को हम ले आए और बल्लेबाज ने फिर हमारा जो हशर किया कौम के सामने है। इसके बाद 9 फरवरी को मैंडेट जो है हमारा चोरी हुआ। हम कोई कार्रवाई जो है कोई उसकी रिकवरी या इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई एक्टिव किरदार अदा नहीं कर सके, बस ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए। इसके बाद जिमनी इलेक्शन है, सारी सीटें जो हैं तकरीबन हम हार गए और फार्म 47 का इस्तेमाल हुआ, धांधली हुई, लेकिन हमारी कारकर्दगी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आवाम के आगे रोने पेटने के अलावा कुछ नहीं थी। फिर आगे आपने देखा हमारे 11 लगभग एमएनएस जो हैं या सेनेटर दो थे, ये बिक गए या हमसे टूट गए, ये हमारी नाकामी थी, वरना ये आईनी तरमीम किधर से होती। और इसके अलावा जो इतनी सियासी पार्टियां हैं और अभी तक हम किसी एक को भी शायद इस तरह कायल न कर सके कि मुल्क में जो आवाम के साथ दस्तूर आइन के साथ जो ज्यादती हो रही है इस पे हमारे मौकिफ के साथ मिलकर एहतजाज में हमारे हम रुकाब हो जाए। इसके अलावा बीसीओ और नाकामियां हैं, अदालती फ्रंट पे हैं, तो मैं कोई मुतमईन नहीं हूँ और क्यों इसका कोई एहतसाब ही नहीं हुआ है। हर वक्त उस वक्त जो है हमें शोर शराबा देखने को मिलता है जब सेनेट की सीटें फिल करनी होती है, रिजर्व सीटें फिल करनी होती है या फिर साजिश है या एक दूसरे की टांगे खींचनी होती है। बहरहाल ये हो रहा है और मैं खान साहब से मिलूंगा। अगर खान साहब को मैंने पहले भी कहा था, गुजारिश की थी कि एहतजाज कमेटी बना दे और ये काम उनके हवाले किया जाए। यहाँ पे पहले कोर कमेटी है, 70 से 80 मेंबरान है, अब उसमें क्या कंसेंसस डेवलप हो सकता है। 2-3 घंटे की मीटिंग होती है और उसमें 76 लोग जो है अगर 1 मिनट भी बोले हैं तो मेरा ख्याल है वो काफी नहीं है। फिर पॉलिटिकल कमेटी है, वहाँ पे भी फिर एक एपेक्स कमेटी है। मेरा ख्याल ये है कि ये इन कमेटियों से ज्यादा जो जरूरत है वो इस अमर की है कि हम पार्टी के अंदर जो छोटे मोटे इख्तलाफात हैं और वो भी इंफरादी हैं, इनको खत्म करें, जेन्युइन ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर सकें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यूनिफाइड करके हम अपने अहदाफ का तयन करें। और सबसे पहला अहदाफ हमारा होना चाहिए फ्री खान नाओ। इसके बाद जब खान रहा हो तो फिर बकाया चीजों में लग रहा है कि एक तो डेफिनेटली एक लीडरशिप क्राइसिस है और उसमें भी हर कोई छोटा मोटा एक लीडर बनने की कोशिश कर रहा है और इतनी ज्यादा अपने कमेटीज का जिक्र कर दिया, एहतजाज कमेटी तो एपेक्स कमेटी, ये सब सामने रखें तो ये ज़रूरत नज़र आती है कि खान साहब की तरह पार्टी का ऐसा कोई मरकजी लीडर होना चाहिए जिसकी आवाज़ जो है उस पर सब ही इत्तफाक करें, लबैक कहें, सभी सूबों से रिस्पॉन्स ज़रूर मिले। तो आपकी नज़र में इस वक्त पार्टी में ऐसा कौन है? खान ही है, बाकी खान के बाद हमारी शायद कोई सेकंड टीयरशिप लीडरशिप है ही नहीं, तो खान की तरफ सबकी नजरें होती हैं और मेरा ख्याल है कि ये अख्तियार किसी को डेलीगेट भी नहीं हो सकता। थैंक यू आपका, थैंक यू साहब, थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी एज वेल। मतलब सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, एक्स पे अलग फड्डे चल रहे हैं, फिर ये इन्होंने दर्जनों फड्डे तो इन्होंने खुद गिनवा दिए, अभी दर्जनों डिफरेंसेस है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड दिस सूट्स द गवर्नमेंट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लड़ाइयाँ और टूट फूट चल रही है तो गवर्नमेंट को बड़ा सूट करता है सारा। और अब अबूबकर भी हमारे साथ हैं पेशावर से लेके हैदर, आप बताएं। देखिए शरफजल मरवत साहब को ये भी बताना चाहिए था कि सीटें बिकी हैं या उन्हें बिकवाया गया है, सीनियर लीडरशिप के साथ रबते में थे लोग। अब दूसरा ये कि इस वक्त पहला तो इमरान खान के घर की बात कीजिए तो उनकी अहलिया पेशावर गई, उस पर पार्टी तकसीम नज़र आई कि क्यों ये बताया गया कि पंजाब में उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है और उन्हें पेशावर ले जाया गया। चंद पार्लिमानी लीडर ये कहते रहे कि आप अगर ये मौक़िफ़ अपनाएंगे तो कहा जाएगा कि खौफजदा होकर शायद पेशावर गए। दूसरा ये कि इस वक्त वैसे ये तो सबको पता होना चाहिए कि अगर गिरफ्तार करना होता मकसूद तो फ़ौरन कर ली जाती, ऐसे ही होता। अब नहीं करना था तो उन्हें छोड़ दिया गया, फिर वो पेशावर रहती हैं, अब पंजाब रहती हैं, कहीं भी रह सकती हैं। अब इसमें 3 तरह के ग्रुप मौजूदा हालात में नज़र आ रहे हैं। एक ये कि वो जो पार्लिमानी निज़ाम पर यकीन करते हुए मुज़ाकरात से बातचीत करना चाहता है, इसमें हमें ये नज़र आता है बैरिस्टर गोहर हैं, इसके अलावा पार्लिमानी लीडर हैं, वो चाहते हैं बातचीत से आगे बढ़ा जाए। दूसरा लोग मुल्क से बाहर बैठे हुए वो कहते हैं प्रोटेस्ट किया जाए। तीसरे अभी जो आपने जिक्र किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपस में लड़ते हुए, ये इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि बानी पीटीआई वहाँ से निकले नहीं, रहा नहीं हुए, तो लिहाजा मौजूदा क़यादत की नाअहली को सामने रखते हुए वर्कर्स को मोबिलाइज़ किया जाए और हमदर्दी समेटी जाए। इस दौरान मुझे ये वो जो ग्रुप जो पार्लिमानी तरीके से आगे बढ़ना चाहता है वो कामयाब नज़र आ रहा है। वजह यह है कि दो मौक़ों पर कामयाबी हुई है। पहला ये कि इन्होंने पार्लिमानी कमेटी जो चीफ जस्टिस की तयनाती का मामला था, अब तो सुप्रीम जुडिशल कमीशन में भी अनाउंसमेंट होने का फैसला हो गया, शामिल होने का फैसला किया है, हो गया है। बिल्कुल, दैट्स मेजर डेवलपमेंट टू। अबू बकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बेजार मालूम करते हैं। लेकिन अबू बकर से सबसे पहले तो क्योंकि ये भी बात गर्दिश हो रही है कि चूंकि बुशरा बीबी अब वो जमानत पे आउट हो चुकी हैं, तो अब ज़रा ज़्यादा खान साहब की रिहाई के लिए जो मुहिम है वो मुतहरक होगी। लेकिन ऑब्वियसली क्लैशेस भी बहुत हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, किसी की बन रही है किसी से नहीं। अबू बकर, आपके पास क्या खबरें हैं इस हवाले से? देखिए जी, खैबर पख्तूनख्वा में इससे कबल हमने देखा था कि आतिफ खान साहब जो कि रुकन कौमी असम्बली थे, इसी तरह जुनैद अकबर और शकील खान जिन्हें बरतरफ किया गया, वो जो है काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते थे सीएम को, और दीगर जो मरकज़ी क़यादत है उनको भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन हम अब देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो इख्तलाफात है उसमें शिद्दत नज़र आ रही है। और अभी रिसेंटली जो है तो जो शौकत यूसुफज़ई है वो सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वो बानी पीटीआई के एडवाइज़र भी रहे, तो वो जो है काफ़ी खुलकर बोले हैं। और हमारे साथ ही गुफ्तगू में उन्होंने मरकजी क़यादत को जो है सख्त तनकीद का निशाना बनाया, और उन्होंने कहा कि मरकजी क़यादत जो है वो राब्ते में ही नहीं होती। और उन्होंने ये शिकवा भी किया कि हम जो है 20-30 सालों से पीटीआई में है, लेकिन हमारे मैसेज का रिप्लाई तक ही नहीं दिया जा रहा। इसी के साथ ही गुज़िश्ता दिन जो है तो एक वर्कर्स की जानिब से जो है एक जरगे का इनेकाद किया गया था, और इस जरगे में शेर अफजल मरवत साहब भी मौजूद थे। तो इस जरगे में जो है जो पार्टी के रहनुमा थे और जो कारकुन थे वो जो है वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ जो है खुलकर बोल पड़े, और बशीर अब्दुल मरवत साहब खुद भी वहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने भी जो है प्रोविंशियल मिनिस्टर को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। और उन्होंने ये बात कही है कि जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, तो जिन पुलिस ऑफिसर्स ने हमारे साथ ज्यादती की थी, हमारे साथ शेलिंग की थी, तो उन्हीं को जो है प्रमोट किया जा रहा है, और उन्हीं को जो है अच्छे अच्छे ओहदों पर जो है तैनात किया जा रहा है। इसी के साथ गुज़िश्ता दिनों एक प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड हुआ था मरदान में, खैबर पख्तूनख्वा के जिला मरदान में, और वहाँ पर जो है एक रुकन सूबाई असम्बली जो है उन्होंने एहतजाज के दौरान जो है ये बात कही है कि हमारे सीएम कैबिनेट और सारे एमपीए जो है वो कंप्रोमाइज है। तो इस ये कंप्रोमाइज होने का ताना भी बड़ा आम हो गया है, मतलब सारे दूसरे पे इस किस्म के इल्जाम भी लगा रहे हैं, कंप्रोमाइज होने का ताना दे रहे हैं, या मतलब इल्जाम लगा रहे हैं। वी आर गोइंग टू वेट एंड सी कि आज क्या डेवलपमेंट होगी इस सारी बातों में। अबू बकर, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट है एमडी कैट के हवाले से जिसके बारे में हमने बात करनी है। अच्छा जी, एमडी कैट वाला फियास्को तो आप सारों को याद ही होगा कि चीटिंग के मसले, पता नहीं क्या क्या हुआ, पेपर आउट हुआ, ये वो, तो अब बेसिकली वो दोबारा होने जा रहा है। पिछला सारा कैंसिल, अब दोबारा होगा। होने क्या जा रहा है? अमीन अनवर हमारे साथ ही अमीन भाई, अब ये दोबारा क्यों हो रहा है, ये जरा बता दें। नहीं, क्यों का तो पता है, मतलब जरा एक्सप्लेन कर दें उसको। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता साल भी ये पेपर दोबारा हुआ था, टेस्ट जो है वो मेडिकल में दाखिलों के लिए, और इस साल भी ये टेस्ट दोबारा होगा। पेपर लीक के हवाले से शिकायत मौसूल हुई थी, जिसके बाद 15 स्टूडेंट्स ने इब्तदाई तौर पर एक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की है, जिसमें अदालत ने 3 हेयरिंग्स के बाद ये ऑर्डर कर दिया। एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो तश्कील दी गई थी, जिसमें डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम और इसके अलावा डॉक्टर शीरीन आरेजो समेत PMDC और दीगर लोग उसमें शामिल थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये पेपर जो है वो 21 सितंबर को 8:50-51 मिनट पर जो है वो लीक हो गया था, और उसमें 2 सस्पेक्ट्स जो है वो इंतहाई अहम किरदार FIA ने अपनी रिपोर्ट में बताया, जिसमें एक डॉक्टर विनोद है और इसके अलावा एक साजिद महमूद है। उनके व्हाट्सएप से ये पेपर जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप में जो है वो शेयर हुआ है, और डॉक्टर विनोद कुमार ने ये सारी चीज़ें शेयर करने के बाद पूरा डेटा जो है वो डिलीट कर दिया था। जो कि डॉक्टर विनोद को इस पेपर तक एक्सेस कैसे हो पाई? जी बिल्कुल, उन्होंने ये ऑनलाइन नहीं होता, पर्चा ये ऑनलाइन नहीं होता है, ये यूनिवर्सिटी जो है वो तैयार करती है, उनका एक पूरा बोर्ड होता है, और इंक्वायरी कमेटी ने यही कहा है कि 40 से ज़ायद लोग जो है वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जो इसकी बाइंडिंग करते हैं, जो इसको तैयार करते हैं, और सिलेबस वगैरह देखने के बाद इस दफ़ा ये डाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास था। इससे पहले जो गुज़िश्ता साल सिंध जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास था, वहाँ भी पेपर लीक हुआ, यही शिकायत थी, दोबारा टेस्ट हुआ, और इस साल भी यही शिकायत शायद। अच्छा, तो अभी हमने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी ले लिए जिनसे हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, लेकिन अब नेक्स्ट क्या होगा, कौन से इंस्टीट्यूट जो है वो बीच में इन्वॉल्व? जी बिल्कुल, अब कोर्ट ने जो है वो IBA कराची और सखर को कहा है कि वो ये टेस्ट कंडक्ट करवाएं, क्योंकि माजी में भी वो टेस्ट कंडक्ट कराते रहे। और कब होगा? 1 माह का टाइम दिया गया है, जिसमें IBA सिंध हुकूमत से। तो फिर मेडिकल कॉलेजेस में जो एडमिशन है वो फिर डिले हो गए? जी बिल्कुल, एडमिशन तो डिले होंगे क्योंकि अब दोबारा टेस्ट की डेट दी जाएगी, टेस्ट होगा, उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होगा, मेरिट लिस्ट आएगी। बहुत शुक्रिया इस मुल्क के मुस्तकबिल के डॉक्टर्स के साथ मजाक है, मतलब जो मेयर हो रहे होते हैं, ये बड़ा एक एग्जॉस्टिंग प्रोसेस होता है, पर्चा देना, इम्तिहान में बैठना। हम यही कह सकते हैं आप तैयारी कर लें, मौका दोबारा आपको मिला है, फॉर वट एवर रीजंस टू डू योर बेस्ट, और या दैट्स ऑल वी कैन से, बेस्ट ऑफ लक टू यू। ब्रेक लेनी है अभी, एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट आवर ऑफ जियो पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और इसराइल के ज़रा ख़त्े की सूरत हाल आपको बताते हैं क्या चल रहा है। जंगें हो रही हैं, इसराइल के हमले के बाद ईरान ने भी जवाब देने का ऐलान कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनाई ने इसराइली हमलों में शहीद फ़ौजियों के अहल खाना से गुफ्तगू में कहा कि सहूनी हमारी ताकत, सलाहियत और ईरानी कौम के अज़म को नहीं जानते। हमें ज़रूर उन्हें ताकत दिखानी चाहिए, लेकिन इसका फ़ैसला अवामी और कौमी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ ईरान की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इजलास भी आज तलब किया गया। अच्छा जी, और इससे पहले ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ का बयान सामने आया था कि इसराइल को हमले का जवाब मुनासिब वक्त और हालात में दिया जाएगा। आपको पता है ना कि ईरान जो है बड़ी एक वो रिस्ट्रेंट तरीके से सारी चीज़ें करते हैं। इजराइल के फ़ौजी तर्जुमान जो है उन्होंने हफ्ते को कहा था कि 1 अक्टूबर को इजराइल पर होने वाले ईरानी हमले की जवाबी कार्रवाई मुकम्मल हो गई है, मगर हालात बज़ाहिर पुरअमन होते दिखाई नहीं देते। सो लेट्स सी क्या के आगे क्या होना है। होना तो है ऑब्वियसली, आपको पता ही है कि पिछले साल पूरा हो गया और ये कॉन्फ्रंटेशन जो एक वॉर बन गई, अब वो एस्केलेट ही हो रही है। बात करेंगे जी सीनियर सिफारतकार अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका में पाकिस्तान की सफ़ीर रही हैं डॉक्टर मलिहा लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा, इसराइल ने बिलाखिर ईरान पर हमला कर ही दिया, ईरान की जानिब से ऐलान आया कि उस हमले का भी जवाब दिया जाएगा। आपको लगता है कि ईरान का रद्द अमल इस मरतबा ज़्यादा सख्त हो सकता है, या अब तक जिस तरह कैलकुलेटेड चल रहा है वैसे ही होगा? पहले तो ये कि ईरान को मालूमात हासिल थी पहले से कि ये हमला होने वाला है और अब तक जो ईरान की तरफ से रिस्पॉन्स आया है, उनके जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामेनाई, उन्होंने भी ये कहा है कि अभी हुकूमत और ईरान की फ़ौज ने फैसला करना है कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो इंडिकेशंस वहाँ से आ रही हैं, जिस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उससे लगता ये है कि फ़ौरन कोई इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं होगा ईरान की तरफ से, बल्कि ईरान की तरफ से जो एक स्टेटमेंट आई उसमें तो ये कहा गया है कि वो चाहते हैं कि जंग बंदी हो, सीज़ फायर हो गाज़ा में और लबनान में। तो मैं नहीं समझती कि फौरी तौर पर ईरान कुछ ऐसी चीज़ करेगा, इसलिए कि देखें ईरान के मुफाद में नहीं है कि ये जंग और फैले और ख़ित्ते में अपनी यानी कि पूरी ख़ित्ते में ही फैल जाए। तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी चीज़ करें जिससे कि वो इज़राइल के हाथों खेलें, इसलिए कि इज़राइल तो चाहता है कि जंग और वसी बुनियाद पे हो। डॉक्टर साहब, एक और बात जो सामने आई वो इज़राइल और पूरी दुनिया के लिए इनफैक्ट एक सरप्राइज़ ये था कि ईरान के पास एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहा है। तो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये सिस्टम उन्हें रशिया ने मुहैया किया। अगर ये बात बढ़ती है तो क्या हम तनाज़ा का दायरा जो है, दायरेकार जो है, वो बढ़ता भी देख सकते हैं कि इट माइट एस्केलेट? मैं समझती हूँ कि ईरान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी अरसे से वो डेवलप कर रहे हैं और वो काफ़ी एडवांस्ड है। तो मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी तो काफ़ी है उनके पास। तो इसके साथ साथ उन्होंने मिसाइल सिस्टम्स भी डेवलप किए हैं जिससे कि वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं, यानी कि एंटी मिसाइल सिस्टम्स इसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो भी उन्होंने डेवलप किए। तो मैं समझती हूँ कि ये इल्ज़ाम लगाना कि उन्होंने यहाँ से लिया और वहाँ से लिया है, इससे बात बनती नहीं है। अगर इज़राइल को अमेरिका और इतने मगरबी ममालिक वो असला दे सकते हैं तो फिर ये क्या बात हुई कि ईरान को कोई भी नहीं दे सकता है। लेकिन मैं नहीं समझती कि इससे कोई मामला और पेचीदा होगा। ईरान ने मेरा ख्याल है जो चीज़ दिखाई है वो ये है कि कि वो उनके पास ये कैपेसिटी और ताकत है एक हमले को रिपल्स करने की, उसको काउंटर करने की। और इससे उन्होंने, मेरा ख्याल है, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं डिटेरेंस, वो उन्होंने रीस्टैब्लिश किया है। इसलिए कि देखें, इसराइल को जुर्रत नहीं हुई कि वो ईरान के जौहरी या ईरान के ऑयल इंस्टॉलेशंस पे अटैक करें, और वहाँ पर उन्होंने अमेरिका की सुनी, इसलिए कि अमेरिका नहीं चाहता था कि इसराइल इस किस्म का कोई अटैक करे, इसलिए कि उनको पता था कि उसके नतायज जो हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होंगे। डॉक्टर साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट आपने यहाँ पे रेस किया है कि एक डिटरेंस रीएस्टैब्लिश करने में ईरान को मदद मिली है, क्योंकि इससे पहले कहीं कॉम्प्रोमाइज़ जो सूरत हाल नज़र आ रही थी, या फिर ईरान की खुद मुख्तारी जिस तरह खुल्लम खुल्ला इसराइल चैलेंज कर रहा था, वो ईरान ने रीएस्टैब्लिश की है इस डिटरेंस के साथ। अब एक साल से ज़ायद हो गया है। अहम बात यह है कि दुनिया अभी तक जंगबंदी नहीं करवा पाई है। रोज़ ऐसे इमेजेस आते हैं जिससे देखना भी मुश्किल है, मतलब, लेकिन फिर भी दुनिया देख रही है। अब तासुर यही है कि इसराइल और दीगर आलमी पावर्स को एक साल पहले शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि जंग इतनी बढ़ जाएगी, लेकिन जंग बढ़ गई है। पूरी दुनिया इसकी फरीक बन सकती है। क्या नज़र आ रहा है आपको इसका एंड? देखें, जो वाहिद वजह है इसराइल के इस जंग को जारी रखने की, वो तो अमरीका है। इसलिए कि अगर अमरीका असला ना देता जाए इसराइल को, और वाकई अगर इसराइल को मना करे कि वो ये जंग जारी ना रखें, तो मैं समझती हूँ कि इसराइल को तो सुनना पड़ेगा फिर अमेरिका की बात को। लेकिन अमेरिका ने ऐसे नहीं किया। जैसे कि आपको मालूम है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी वो वीटो इस्तेमाल करते रहे हैं। असला उन्होंने कभी बंद ही नहीं किया। और वैसे तो वो कहते रहते हैं कि वो चाहते हैं सीज़ फायर हो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मैं समझती हूँ कि इसराइल को, आप कह सकते हैं, इनकरेजमेंट मिली है। ये तो ज़रूर है कि अमेरिका और कुछ और मगरबी ममालिक जिस तरह बरतानिया है, वो इस जंग में कम्प्लिसिट हैं। जो मुल्क असला भेज रहा है इसराइल को, जाहिर है तो वो तो फिर मुलवस है इस जंग में। तो अफसोस से कहना ये पड़ता है कि अरब दुनिया से भी उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आया जो आना चाहिए। ये सिर्फ खुशाइंद बात है कि उन्होंने कंडेम किया इसराइल का जो अटैक था ईरान पे, बहुत जल्दी, बल्कि उन्होंने फौरन कंडेम किया। तो ये तो पॉजिटिव चीज़ है कि कम से कम मुसलमान दुनिया, अरब दुनिया ने ये दिखाया कि वो ईरान के साथ खड़े हुए हैं इसराइल के ख़िलाफ़। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। यही तो सारी बात है कि वहाँ पूरी बैकिंग है अमेरिका की इसराइल के पास, और यहाँ अगर इनका डिफेंस सिस्टम देख के ईरान की दुनिया हैरान हो गई है और फिंगर पॉइंटिंग करना स्टार्ट हो गई है कि जी इनका किधर से आया और रशिया ने किया है, तो यहाँ तकलीफ हो रही है, विच इज़ रियली वेरी स्ट्रेंज। लेकिन आजकल के वक्तों में आप ये एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, एक को पूरी असिस्टेंस मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है, और कोई कुछ नहीं कह रहा, और दूसरे पे क्वेश्चंस लगे हुए हैं कि हु इज हेल्पिंग देम आउट, और क्या हो रहा है, कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। बट दिस इज सो एब्सोल्युटली सो अनफेयर एंड ऑलमोस्ट एक कॉमेडिक, एक ट्रेजिक कॉमेडी लगती है कि एक जो है वो बिल्कुल दे कैन डू इम्यूनिटी के साथ, आपने जो करना है करें। मैं बड़ा खुश था कि भाई हम सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और उधर से इंडिया पहुंचे हुए हैं, और हम दोनों लोग सेमीफाइनल जीत जाएंगे और आउट हो गए, और फिर हमारा फाइनल हो जाएगा इंडिया पाकिस्तान का, बड़ा मैच पड़ेगा। लेकिन नहीं, ना श्रीलंका, ना भारत, ना ही पाकिस्तान। इमर्जिंग एशिया कप रहा है अफगानिस्तान के नाम। लो जी, अफगानिस्तान ए ने श्रीलंका को इमर्जिंग टीम एशिया कप के फाइनल में 7 विकेटों से शिकस्त दी, यानी इंडिया भी उधर से सेमीफाइनल आ रहा था और हम भी हारे थे। लेकिन मतलब किसी की बीच में चांस ही नहीं था। अफगानिस्तान ने बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, झंडे गाड़ दिए हैं। तो फाइनल में श्रीलंका ने 134 रन का हदफ दिया और अफगानिस्तान ने 18.1 ओवर में 3 विकेट पर पूरा भी कर दिया। दे सेड टेक इट। तो लिहाजा दे आर द इमर्जिंग चैम्पियंस। इसमें सादिकुल्ला का नाम लिया जा रहा है। 55 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग इन्होंने खेली। दरवेश रसूल ने 24 और करीम जन्नत ने 33 रन बनाए और नुमाया रहे ये तमाम लोग। अच्छा जी, एक अच्छी खबर कराची वालों के लिए। कराची के लिए 100 अरब रुपए से ज्यादा की लागत से येलो लाइन ट्रांसपोर्ट मंसूबा शुरू किया गया है। कराची वालों के लिए खुशखबरी है। अगर ऐसा होता है तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है, क्योंकि आबादी के लिहाज से जो मौजूदा ट्रांसपोर्ट सहूलियात हैं वो सर्टनली जितनी भी ज़्यादा हों उतनी कम है, वो कम है, और क्योंकि बहुत अरसा पहले ही शुरू हो जानी चाहिए थी तो कुछ बन जाती, लेकिन अब वी नीड अ लॉट मोर। अच्छा जी, तो अब ये आपको बता दें कि रेड लाइन समेत इन दीगर मनसूबों का भी जरा पता लगना चाहिए कि जो पहले स्टार्ट हुई थी, जो अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी, वो किधर तक पहुंची, मतलब हम नई तो अनाउंस कर ही रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द वंस? करेंगे सिंध के वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे मौजूद हैं। शर्जील साहब, ये बताइएगा, ये कराची वालों के लिए सर्टनली खुशखबरी तो है जो आपने सुनाई है, लेकिन इसके क्या खद्दोखाल हैं, कहाँ से कहाँ तक ये चलेगी, नॉर्मल रोड पर चलेगी, अलग ट्रैक होगा, इसकी डेडलाइन क्या है, कब मुकम्मल होगा मनसूबा? येलो लाइन बीआरटी जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की जानिब से कराची की आवाम के लिए एक नहायत ही अहम प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की इस वक्त लागत जो है कोई 100 अरब रुपए तक की है। ये स्पेशल ट्रैक होगा और ये स्पेशल ट्रैक जो है ये कोई 21 किलोमीटर का ट्रैक है और इसके लिए खुसूसी तौर पर जो है वो बसेस जो है वो चलाई जाएंगी और इसका मकसद ये है कि यहाँ के शहरियों के लिए खास ट्रैक हो जो कि ट्रैफिक से बिल्कुल जो है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो और कम से कम टाइम में जो है वो यहाँ के लोग जो है वो अपना सफर जो है वो पूरा कर सकें। और इसमें जो है हमने पहले हमारे जो बस डेपोज थे वो सिंगल स्टोरी थे, हमने कहा नहीं इसको फ्यूचरिस्टिक होके हमें उन बस डेपोज को डबल स्टोरी बना रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बसेस लाई जा सकें और कराची के शहरियों को जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल सके। एयर कंडीशन बसेस होंगी, कम किराया होगा और ये वर्ल्ड बैंक के साथ सिंध हुकूमत जो है इस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है और दिन रात काम हो रहा है और बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट है वहाँ पे, मशीनरीज की भी, लेबर की भी। तो आप भी अगर अपनी टीम को अगर जियो न्यूज़ भेजता है वहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का काम हो रहा है वहाँ पे और वहाँ पे मैं समझता हूँ कि कराची के लोगों को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। अच्छा मेमन साहब, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि येलो लाइन की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि बहुत साल पहले बहुत से और भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू किए गए हैं, केस इन पॉइंट ग्रीन लाइन, फिर एक रेड लाइन का भी सुना था, तो ये बहुत कुछ हो रहा था। इन प्रोजेक्ट्स का क्या हुआ, या फिर उनको स्टॉल कर दिया गया है या फिर उनमें ताख़ीर है, तो ये इसकी बैकग्राउंड भी दें। एक ऑरेंज लाइन भी थी जो कि हुकूमत सिंध ने 100% खुद उसको बनाया और वो कंप्लीट हो गई, जिसको हम अब्दुल सत्तार ईवी लाइन कहते हैं। ऑरेंज लाइन इस वक्त चल रही है, ग्रीन लाइन फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था वो भी चल रहा है और रेड लाइन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसलिए था कि जो यूटिलिटीज़ वहाँ से होनी थी, रीलोकेट होनी थी, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर कुछ उसमें डेपोज के इशूज़ थे कि जो बस डेपोज जहाँ पे थे वहाँ पे सिविल एविएशन के साथ कोई लैंड का कोई इशू चल रहा था। फिर बस डेपोज जो है वो केएमसी से हमने जो है अलादीन पार्क के पास वहाँ पे अपने नए लिए, तो उसकी डिजाइनिंग का काम चल रहा है। लेकिन खैर, और फिर बीच में जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसमें 8 महीने अनफॉर्चुनेटली उस पर बिल्कुल एक ईंट भी नहीं रखी गई, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट वो डिले हुआ। लेकिन इस वक्त अगर आप रेड लाइन पर भी जाके देखेंगे तो रेड लाइन पे भी डे नाइट काम हो रहा है और बहुत फुल स्पीड के साथ काम हो रहा है। अच्छा शजील साहब, अब ये खबरें भी गर्म हैं कि कराची में डबल डैकर बसें आने वाली हैं, यहाँ कोई आप लोगों ने आइडेंटिफाई की हैं सड़कें जो मौजूद हैं डबल डैकर के लिए, क्योंकि बहुत सी सड़कों का हाल इतना बुरा है कि उसमें चलती गाड़ी या मोटरसाइकिल गुजर रही हो तो लोग मुतासर होते हैं, गिर जाते हैं। देखिए जी, बिल्कुल ये भी हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं कि हम डबल डेकर बसेस चलाएं। उसका फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। उसका फ़ायदा ये है कि आपका हर बस जो है ना, आपकी कोई भी ट्रांसपोर्ट होती है वो एक सड़क पे एक स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करती है। तो हम जहाँ पे हम बसेस को की तादाद बढ़ा रहे हैं, तो हमने कहा कि जी अगर उसी स्पेस में जितना आम नॉर्मल बस स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसमें अगर डबल डेकर बस चलाई जाए तो उसमें एक तो पैसेंजर ज़्यादा बैठ सकेंगे, स्पेस भी वो उतना ही यूटिलाइज करेगी, ईंधन भी वो जो भी है वो इसका उतना यूटिलाइज होगा, तो उसमें हम ज़्यादा पैसेंजर्स को जो है वो लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो उसमें ये हमने इसकी गवर्नमेंट को भेजी और गवर्नमेंट ने इसको अल्हम्दुलिल्लाह उस पर एग्री भी कर दिया है। तो अभी हम कैबिनेट में लेके जाएंगे, फिर हम डबल डेकर बसेस इसी रूट्स पे लेके जाएंगे जो मुख्तलिफ हमारे रूट्स हैं, और जो इस तरह के रूट्स जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन ना हो तो आप इसको यूटिलाइज करेंगे। ज़्यादा सड़कों की आपने बात की, सड़कें ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा बनी है, बहुत ज़्यादा रोड्स बने हैं। अभी भी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर साहब ने नई सड़कों का इफ्तिताह किया है, लेकिन जहाँ जहाँ पे रोडों का पैचवर्क की ज़रूरत है या जहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो उसको भी इस वक्त रेक्टिफाई किया जा रहा है। मेमू साहब बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक विद द येलो लाइन। लेकिन ये जो रोड्स हैं ना, सॉरी टू से, लेकिन इनको भी आपको तवज्जो देनी पड़ेगी इन द सेंस कि जब रोड की रिकन्स्ट्रक्शन भी हो रही होती है तो वो पैचेस में होती है, पूरी रोड नहीं होती, वो पैचेस में होती है। तो बात तो वहीं आ गई ना, आप खड्डों में से आते आते कुछ पैच ऑफ रिलीफ आपको मिला और फिर आगे बात चली जाती है। उसके बाद जो फिर कंस्ट्रक्शन रिकन्स्ट्रक्शन हो भी रही होती है उनकी क्वालिटी इज सो बैड, पैच वर्क हो रहा है, बेसिकली पैच वर्क हो रहा है। जो खड्डे थे उसमें पैच, तो बाद जगहों पे पैचवर्क से ज्यादा दोबारा सड़क बननी चाहिए। एब्सोल्युटली, मतलब हर चीज तो इत्तफा पैचवर्क पे नहीं हो सकता। और दूसरा, उस पैचवर्क की भी क्वालिटी को भी मद्देनजर रखा जाए, क्योंकि वो पैच भी अनपैच हो जाता है बहुत जल्दी ही, और सड़क तो पहले ही बाकी टूटी होती है, तो जो हिस्सा ठीक होता है वो भी थोड़ी देर बाद उखड़ जाता है। बात तो वहीं की वहीं आ जाती है। तो ये चीज़ पे भी होपफुली इस पर चेक एंड बैलेंस रहेगा, क्योंकि इससे पहले मेयर कराची से भी हम आपको पता है जब भी मौका मिलता है पूछते हैं, क्योंकि ये इनमें से जो सड़कें इन बारिशों में बही थीं, बहुत सी ऐसी सड़कें थीं जो लिटरली अभी बनी थीं, और उन्होंने कहा था कि हम देख रहे हैं उन कॉन्ट्रैक्टर्स को। और इससे पहले कि इसका जवाब आए, तो इसका जवाब जब हम पूछते हैं तो हमेशा यही आता है जी कि सीवरेज की लाइनें जो होती हैं उनकी वजह से सड़कें ख़राब हो जाती हैं, तो उन पर भी काम किया जाए ना। मतलब एक होलिस्टिक तरीके से काम होगा तो कोई सस्टेनेबिलिटी बनेगी, वरना तो नहीं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं थोड़ी देर। अच्छा जी, घोड़े पर सवारी करना ख़ुद कोई आसान काम ऑब्वियसली नहीं होता, और कहाँ इस पर बैठकर एक फास्ट पेस गेम खेलना, वो तो बात ही अलहदा है। तो आपको समझ तो आ गई होगी, हम बात कर रहे हैं पोलो की। तो इसीलिए पोलो को बादशाहों का खेल कहा जाता है, और लाहौर में इसी खेल का एक ऐसा टूर्नामेंट हुआ जिसका मकसद था ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक आगाही पैदा करना। पोलो इन पिंक में दुनिया भर से ख़वातीन खिलाड़ी जो हैं, पोलो प्लेयर्स जो हैं, वो शरीक हुई और ज़बरदस्त मुकाबले हुए। और बिलावल भुट्टो खुद पहुंचे कल फाइनल देखने के लिए, फिर उसके बाद एक सियासी बैठक भी हुई। एक बड़ा पॉजिटिव सा माहौल नज़र आया। दुनिया भर से आई खवातीन के साथ साथ पाकिस्तानी लड़कियों की भी बड़ी तादाद पोलो खेलती हमें दिखाई दी, और इन्हीं में से एक हैं मानम फैसल, और सिर्फ 5 साल की हैं, लेकिन अभी से बता रही हैं कि पोलो में इनका नाम बहुत ऊपर जाएगा। और मानम हमारे साथ हैं जी। कैसी है मानम? छोटी सी हैं आप, यू आर ओनली 15 years old। तो जल्दी से ये बता दें कि आपका इंटरेस्ट कैसे इस स्पोर्ट में आया, और क्या आप हॉर्सबैक राइडिंग कर रही थी काफ़ी अरसे से? वैसे जी मुझे हॉर्सबैक राइडिंग करते हुए 3-4 साल हो गए, एंड someone in my family played polo, so I got interested from there. ज़बरदस्त। तो ये आपका इस टूर्नामेंट में जो आप थी, इससे पहले भी आप खेलती रही हैं, जीतती रही हैं, बैकग्राउंड बताएं। जी मैंने बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स खेले हुए हैं, फोर्ट्रेस में और लाहौर पोलो क्लब और टिना पोलो फील्ड्स में, और ये पोलो एंड पिंक मेरा पहला टूर्नामेंट था जो पोलो एंड पिंक इवेंट था उसका। अच्छा मानम, बहुत सारी लड़कियां आई एम श्योर कि आप खेलती हैं पोलो, घुड़सवारी तो मतलब करती ही हैं लड़कियां, लेकिन पोलो में भी आ गई हैं और बहुत अरसे से हैं। क्या सीन है इस वक्त? मतलब हमारी पोलो की वुमेन की एक अलग टीम है, कितनी टीम्स हैं? कैन यू गिव अस अ नंबर, जिससे हमें कुछ आइडिया हो कि भाई बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है पोलो का सीन इन वुमेन। जी जैसे आपने कहा, राइडिंग तो बहुत ज़्यादा लड़कियां करने लगी हैं बिकॉज इतनी फैसिलिटीज़ बन गई हैं, बट पोलो के अंदर अभी प्लेइंग पाकिस्तानी लड़कियां हमारे पास 4-5 ही हैं जो लाहौर के अंदर खेल रही हैं। सर बाकी मुल्क में भी हैं आपके पास? जब टीम बनाने की बारी आती है तो आप एक पूरी टीम पूरी कर पाते हैं या नहीं? अभी टीम बनाने का हमारा बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी हम उस लेवल पे नहीं है कि टू कम्पीट विद अदर कंट्रीज इंटरनेशनली, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। बट अभी हम जैसे इस तरह के टूर्नामेंट्स में खेल रहे हैं तो वी ऑल आर इम्प्रूविंग, सो इंशाल्लाह वन डे वी कैन मेक वन। तो मानम आप क्या एडवाइस क्या करेंगी, बिकॉज यू योरसेल्फ आर सो यंग, इज दिस आल्सो वन ऑफ दोस स्पोर्ट्स जिसमें यू शुड स्टार्ट यंग, और अगर बच्चियां आपको इस वक्त देख रही हैं, इंस्पायर हो रही हैं, कहाँ से शुरू करें? बेसिकली आपकी पोलो में मेन चीज़ आपकी राइडिंग होती है। आप बचपन से राइडिंग करो, जितना आपकी सवारी बेहतर होगी उतने ही आप बेटर राइडर बनोगे, एंड उसमें ही आप, पोलो इज़ नथिंग विदाउट योर राइडिंग, सो यू नीड टू हैव अ वेरी गुड ग्रिप ऑन राइडिंग। सो आई वुड से एवरीवन लाइक बाय द एज ऑफ 7 दे शुड स्टार्ट राइडिंग, ताकि जब तक वो 12-13 पाए दे कैन स्टार्ट स्टिकिंग बॉलिंग एंड प्लेइंग पोलो। और जो लड़कियाँ ऑलरेडी बड़ी अच्छी राइडर्स, हॉर्सबैक राइडर्स हैं, वो पोलो में अगर आना चाहें तो उन्हें कितना काम करना पड़ेगा अपनी स्किल के ऊपर? उनको काम तो करना पड़ता है, इट्स ऑब्वियसली बहुत मुश्किल स्पोर्ट भी है, बट आप अगर प्रैक्टिस रोज़ करो, आप रोज़ टिक एंड बॉल करो, अपनी घोड़े चलाओ, अपने खुद सीखो, उनसे घोड़ों के साथ टाइम स्पेंड करो, तो टाइम लगेगा, बट एवरीवन कैन डू इट इफ़ दे वर्क हार्ड। True. अच्छा, और ये भी बता दें मानम कि आपके अपने क्या प्लान्स हैं, बिकॉज यू आर सिटिंग हेयर विद अस, तो आपने ऑब्वियसली एक मार्क तो अपना है बनाया है, आगे क्या कर रही हैं? आगे obviously polo is one of my passions, so I obviously want to pursue it when I go, like जब मैं बड़ी हो रही हूँ I want to play better tournaments and इंशाल्लाह abroad भी जाने का है और साथ साथ पढ़ाई। चलिए ज़बरदस्त, good luck। एंड ज़ाहिर है ये तो पोलो फॉर अ कॉज भी थी और इसमें लड़कियां भी, पूरी दुनिया से लड़कियां आई हुई थी एक्चुअली। बिल्कुल, हम लोग हमारी विजुअल्स देख भी रहे हैं मानम, ये बिल्कुल अनरिलेटेड टू पोलो है, लेकिन चूँकि हमारे पास इतने यंग स्पोर्ट्स की लड़कियां आती हैं, हमने नोटिस किया है ऑन आर शो ये एक जोक सा ही बन गया, नाम बड़े डिफरेंट होते हैं आप लोगों के, तो माहनम भी मैं जो है माहम भी सुना हुआ है, माहनम का क्या मतलब है ये भी बता दें हमें जल्दी से। means I think moon and nam means light, so it's moon's light. Light of the moon. Nice, बड़ा सोच समझ के रखा है। Yes. Very nice. कौन सी ग्रेड में है मानम आप? I'm in grade 10. grade 10 में, ज़बरदस्त। तो हम देखने वालों को यही कहेंगे, स्टार्ट यंग, मतलब अपने बच्चों को आप इनकरेज करें, उनको असिस्ट करें, उनको लेके जाएं स्पोर्ट्स की तरफ, उनको माइल करें, बिकॉज बड़े ही ज़बरदस्त किस्म का एक डिसिप्लिन एक ज़िंदगी में आ जाता है। थैंक यू मानम। थैंक यू मानम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। एक तो डिसिप्लिन आपकी ज़िंदगी आता है और उसके बाद आप बेशक उस स्पोर्ट को परसू करें ना करें, लेकिन वो जो एक आदत, एक हैबिट, एक आपकी लाइफस्टाइल एक बन चुका होता है, इट इज़ गोइंग टू असिस्ट यू इन द रेस्ट ऑफ योर डिसीजन मेकिंग एज वेल। और बहुत सी और जो हरकतें हो रही हैं, बहुत सी और चीज़ें हो रही हैं, उससे आपका दिमाग बिल्कुल हट जाता है। फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़रूरी है ऑब्वियसली, एंड लड़कियाँ व्हेन इट कम्स टू फिजिकल स्ट्रेंथ दे कैन एब्सोल्युटली, मतलब Anything. स्पोर्ट जो भी होगा, फिटनेस का तो आपको ख्याल अपना रखना ही होगा, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कराची में जो हो रहा है, मुझे आखिरी दिन जाने का इत्तेफाक हो, और उसमें एक परफॉर्मेंस थी जिस कुकून डांस कहते हैं उसे। अच्छा, उसमें क्या होता है? बैले टाइप? हमारा नहीं, इट वाज नॉट बैले, इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट डांस फॉर्म आई हैव सीन और आई हैव विटनेस्ड, एंड इट रिक्वायर्ड सो मच फिजिकल स्ट्रेंथ कि देख के टेंशन हो रही थी कि These women can do anything now. अच्छा, women थी उसमें। हाँ, they were women and इतना मुश्किल था, इतना मुश्किल था, as in I'm talking about the उसका the physical element of it, कि उसमें इतनी power, strength, force and skill चाहिए थी कि आप literally आप खड़े होके दांत देने पे मजबूर थे कि ज़बरदस्त। Which also reminds us कि ये बिल्कुल ही ख़त्म होने वाला है फेस्टिवल, कल्चर फेस्टिवल जो कराची में लगा हुआ है, अभी भी कुछ दिन रह गए हैं, अगर आप चाहते हैं देखने कुछ, क्योंकि वहाँ ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेज हैं जो हो रही हैं, बहुत सी तो हो गई हैं, अब रह गई। मुल्कगीर इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज़ हो गया है और नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम 3 नवंबर तक जारी रहेगी। रवां साल मुल्क भर में 41 पोलियो केसेस सामने आए हैं। ह्यूज नंबर, हम तो सिंगल डिजिट पे भी चले गए थे कुछ साल पहले तक, और अब देखें मतलब 31 तक हमारी बात पहुंच गई है। और यहाँ हम ऑब्वियसली जो एक तो आ रही होती है ना टीम्स पोलियो के खतरे पे लाने के लिए, लेकिन आप लोग अपनी कम्युनिटी में भी जो है वो अवेयरनेस फैलाएं। अगर आपको डर है कि हम तो अपने बच्चों को पोलियो के खतरे पिला रहे हैं लेकिन फलां नहीं पिला रहे, या हमारे महल्ले में लोग नहीं पिला रहे, तो आप ख़ुद कुछ कैंपेनिंग करें और माइल करें अपने महल्ले में भी लोगों को, क्योंकि एक भी बच्चा अगर इफेक्ट हो जाता है तो दैट इज डेंजरस फॉर एवरीबडी। फिर ये ज़ाया है सारा कुछ, फिर ये सब चीज़ें ज़ाया है। फिर आप जितने भी अपने इंडिविजुअली अपने घर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जी हमने तो अपने बच्चों को पिला लिए, अगर आपके साथ वाले ने नहीं पिलाए तो बात तो वहीं आ गई। तो थोड़ी सी कैंपेनिंग जो है ना, मैस इम्यूनाइजेशन, ये एक इज्तिमाई क़ुव्वत मुदाफ़अत इसमें पैदा होना ज़रूरी है। तो थोड़ी सी अवेयरनेस, अगर आप लोगों की जो महल्ले की ख़वातीन वगैरह भी मिलती हैं, कोई बहुत बड़े शहरों में बड़ी जगहों पर किटी पार्टियाँ भी हो जाती हैं, तो एक दूसरे को ज़रा समझाएं कि ये करना बहुत ज़रूरी है। तो जब और हाँ, मतलब इर्द गिर्द आपके घर में जो लोग आपके साथ हैं, आपके घर में अगर लोग काम करते हैं, आपका स्टाफ है, बच्चे होते हैं, सबके प्लीज़ इनकरेज करें। इनफैक्ट ताकीद के साथ पूछें कि भाई आपने अपने बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए, आपने कब पिलाए थे अपने बच्चों को पोलियो के खतरे, अपनी कॉन्वर्सेशन में एजुकेट करें। हम सब अपनी कॉन्वर्सेशन में ये बात को रखें, पूछा करें, इनकरेज किया करें, इन्फॉर्म किया करें, तो एंड एजुकेट किया करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर किसी का अपना एक रोल होगा, वरना ये चीज़ ख़त्म नहीं होने वाली। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। जंग जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में जारी है आलमी सकाफती मेला वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल। जर्मनी से ऐसी परफॉर्मेंसेस देखी जा रही हैं जो हम पहले जानते नहीं थे कि ये अनहर्ड ऑफ अनसीन तो लिहाजा लेकिन फैसिनेटिंग। जर्मनी से एक डांस ग्रुप आया ककून डांस। इट वाज, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था इसको डांस कहें, इसे यू नो अ शो ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ कहें, क्या कहें, बिकॉज आई विटनेस्ड इट। आई वुड नॉट से आई वॉच्ड इट, आई विटनेस्ड। थोड़ा से आपको कुछ ग्लिम्प्सेस हम दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि कितना मुख्तलिफ हो सकता है, क्योंकि वैसे से बात की जाए तो समझ नहीं आती, बट दिस इज अनदर लेवल ऑल टुगेदर। सो व्हाट इज दिस, मतलब वेयर इज दिस डांस from and how did this come into existence? So we have, how old is it? We have the group with us, two members of the group. Eleonora and Raphael are with us. Thank you ladies for joining us. Now this is some really, I mean this could be in a fitness challenge from what we have seen as well. This was nothing less than a fitness challenge. Does it belong to some a specific country? It's a regional dance of somewhere or something that you guys came up with? I'll let you start, Eleonora. Okay, hi, I'm Eleonora and thank you for having me and Raphael here. So the show, beginning of the show actually originated from exploring the movements and motions from breakdance, and then it develops in this like off-body that it's somehow not human, and little by little, layer by layer, we build up the piece that was disconnected from a normal, what would you consider a normal body. So would it be right to say, Raphael, that it is your invention, your group's invention, and nobody else is doing it? Or are there other people in the world who are performing this dance form? I think that it's contemporary dance, so of course every time is something specific for what we do, but I don't know if someone in the world is doing this kind of things. Okay. Also, I think nothing is new actually, but what we try to do is, as she said, we try with to start with an encounter, and this time was breakdance and cramping, and then they have a specific body concept, those genres, and I take this body concept, deconstruct it, and create a new body specifically for now this matrix. So when we start, we don't know what's going to be. So it's something that doesn't exist. We call it the unthought body. It's a body that you cannot imagine. It's just merging when we start the work. And that is how the effect was as well, especially because with the movement, their eyes actually with the movement and the lighting. I mean, it's a whole experience altogether. Because it is created together. So you enter the process. It's completely a white whole is nothing. I don't try to have an imagination of what it will be before starting. It is coming together with the team, and the team means everything: light, costumes, music, choreography, and the movement is created by the dancers. So I'm directing, I'm giving, I'm choosing, and I'm selecting, but they are creating the movement. And what I think it's important to say, by the performance, even it's totally written, it's improvised. So it's improvised. Decide in the moment. But everybody gels so well with one another. Because we could see that one girl, one performer is going this way, and then the other would go in the opposite direction, and it would. But it comes together. And it would sync as whole. We have a structure, and we have some cues in the performance before, in between us. But everything is somehow decided in the moment. So it's very powerful performance of a four-performer. And talking about power, how much power or how much strength does it require to? How much do you have to work out on such a performance? And it was a long one. Yes, it's a lot. Of course, it's a very physical piece, and it requires a specific physicality. So yeah, we prepare a lot. Have you performed this particular piece anywhere else? We performed it 67 times, so we performed it in a lot of places, and it's every time it works with the audience. Even in Brazil, we were a little bit suspicious because they did a children performance with this, and it started really slow, and they came in with like 250 teenagers, like really loud, but then when it started, they were super quiet and they were super enthusiastic, so it works. Talking of which, how was the response here in Karachi? It was wonderful. People really take it like to heart. People actually gave you a standing ovation. They loved it. Yeah. We got a little letter from someone in the audience that she was overwhelmed, and I was really touched. You know, because when it started, even the audience, I was one amongst the audience, I was a little skeptical too because I had not seen anything like this. But when it started, after a few minutes, you were so much into it that you could not take your eyes off. It was mesmerizing. It was mesmerizing. Now tell us, how did you all get together? Because Eleonora, you're from Croatia, Rafael, you're from Switzerland, and the group has come from Germany. So how did all that come about? Well, I mean, in Europe, they were coming from everywhere. That's right. The company is based in Germany and in Switzerland, so we have two bases, and then Dance is international, so we have people from everywhere. Everybody's freelance. But you call yourself a contemporary dance group, and this is one of your performances, and you do other dances as well? Yes, we have a big repertoire. I mean, the company is 24 years old, and we created 50 pieces. Wow. Since then, so we have a huge repertoire. We don't perform all 50, but we have now a running repertoire of 6-7 pieces that we can. And this was your first time in Pakistan, I believe? For me, yes. For me too. Yeah. Okay, so both of you, lovely. Because we are not really known for our dances, although there are obviously people appreciate that as well. But in this culture festival, there have been so many performances, just like not like yours, but other styles, and people are really lapping it up. They love it. I think so different. It's so amazing that this event is happening. I think people really need it, and that's right. Kind of crave for the art. And especially, I think there are times when you don't know what you need, but when you are given something, when you are shown something, and then you realize that we were missing this. In fact, yesterday we had a workshop, and they gave us a lot. Also, they were showing their skills, and it was amazing. It was the dance students from the Arts Council. A lot of talent here. And I also have to mention that we are here thanks to the Goethe Institute, because they made the contact and they made it possible. Yeah. How so lovely. Thanks to Goethe Institute. So did you get a chance to see our city as well? Did you go around? Well, today we go. After this we go. Lovely. We can recommend you a few places. Thank you. That's good. Later on, especially places where you could go and try out good food. Yes. So we'll do that as well. And you're done with your performances? Yes, we still have a workshop this afternoon, and I'm super excited about it because it's non-dancers, it's the community, and so if anybody wants to join, today is the day. Yes. Awesome, awesome. We are going to translate that a little bit, especially the part if anybody wants to join. सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये performers आ तो रहे हैं बाहर से, लेकिन उसके बाद workshops भी हो रही हैं. ये बहुत ही ज़बरदस्त बात की है ये Arts Council ने कि because जब आप देखते हैं तो फिर आपका दिल भी चाहता है कि कुछ टिप्स लें, कुछ सीखें, कुछ इंटरेक्शन हो. तो जितने भी हमने देखे हैं परफॉर्मर्स आए हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, और हमने इस प्लेटफॉर्म पे बहुत शोकेस किए हैं, वो वर्कशॉप्स में भी. आप ये सोचिए कि हमारे आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब एक वर्ल्ड डिप्लोमा उन्होंने कर लिया है कि उन्हें जर्मनी से आके लोग पढ़ा रहे हैं, उन्हें कोसोवो से आके, नेपाल से आ रहे हैं, अमेरिका से आके डांस ग्रुप्स पढ़ा रहे हैं, उन्हें स्पेन से आके लोग पढ़ा रहे हैं, मतलब म्यूजिशियंस आ रहे हैं, थिएटर आर्टिस्ट आ रहे हैं, राइटर्स आ रहे हैं, डायरेक्टर्स आ रहे हैं. What not? मतलब जिसको कहते हैं ना, एक महीने के अंदर एक क्रैश कोर्स हो जाना इन एवरीथिंग, बिकॉज टैलेंट तो माशाल्लाह हर कोई जो आता है हमें बताता है कि हमारा टैलेंट इमेंस है, लेकिन ऑब्वियसली एक्सपोजर की थोड़ी सी कमी है, लेकिन चलो हम नहीं जा सकते तो हमने बाकियों को बुला लिया, which is amazing. Eleonora and Rafael, thank you so much. I also want to thank the Art Council to have us here and to do this amazing festival. And also to all the people who are really doing their best. So lovely, thank you. Lovely. Thank you, ladies. I hope you come back soon with more performances. Enjoy Karachi, and all right, so I guess that's it for today. बड़ा हलचल रही क्रिकेट में भी, और hopefully हमारी टीम जो है वो success जो हमने अभी ली है against England वो उसको बरकरार रखेगी. क्या ख्याल है? Hopefully, yes. We're gonna see you tomorrow. Bye. Have a great day.